अस्सलाम वालेकुम, मैं नसरीन। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुरुमान डिनर चैलेंज में हाई प्रोटीन शावरमा। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, इंशाल्लाह सभी को ये बहुत पसंद आएगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं हम। ये हमने चिकन लिया है 100 ग्राम, इसमें 22 ग्राम प्रोटीन है, 1 ग्राम कार्ब्स है, 1 ग्राम फैट है। इसको हमने तवे पर रोस्ट किया है। इसमें हमने थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डालकर, एक चुटकी नमक डालकर, एक चुटकी हल्दी डालकर इसको हमने रोस्ट कर लिया है। और ये इस तरीके का हो गया है, आप देख सकते हैं। यह हमने पनीर लिया है 100 ग्राम, इसमें प्रोटीन है 18 ग्राम और फैट है 20 ग्राम। 6 अंडे लिए हैं हमने, इसमें से हम येलो पार्ट 1 अंडे का लेंगे और 6 अंडों का हम व्हाइट पार्ट लेंगे। इसमें प्रोटीन है 27 ग्राम, 4.5 ग्राम फैट है। यह हमने पालक लिया है 100 ग्राम, इसमें 3 ग्राम प्रोटीन है, 3.6 ग्राम कार्ब्स है। यह आटा लिया है हमने, रोटी बनाएंगे इसकी। 50 ग्राम की रोटी होगी हमारी, 5 ग्राम इसमें प्रोटीन होगा और 30 ग्राम कार्ब्स होंगे। ये दही ली है हमने 50 ग्राम, 5 ग्राम इसमें प्रोटीन है, 1.8 कार्ब्स है। इसका हमने पानी निकाल दिया है। ये थोड़ी सी प्याज जाएगी इसमें, आधा टमाटर जाएगा, आधी प्याज जाएगी। काली मिर्च पाउडर लिया है और नमक लिया है। ये हम जितना डालेंगे आपको दिखा देंगे। इस रेसिपी में मैंने 1 चम्मच से भी कम ऑयल इस्तेमाल किया है, ओलिव ऑयल। इसमें 10 ग्राम हेल्दी फैट्स मिलेंगे। इसको मैंने तवे को ग्रीस करने के लिए 2-3 बूंद ऑयल इस्तेमाल किया है और 2-3 बूंद रोटी को बनाने में इस्तेमाल किया है। सबसे पहले ये आटा हम बाउल में डाल लेंगे, ये पालक भी डाल देंगे इसमें। दो चुटकी नमक डालेंगे, मिक्स करेंगे। रोटी के लिए डो तैयार कर लेंगे, जितना पानी होगा जरूरत के मुताबिक पानी डालेंगे इसमें। ये रोटी के लिए डो तैयार है हमारा। ये हमने 6 अंडे ले लिए हैं, इनका 6 अंडों का व्हाइट पार्ट ले लिया है और 1 अंडे का लिया है हमने येलो पार्ट। इसमें डालेंगे हम काली मिर्च पाउडर 2 चुटकी, नमक टेस्ट के मुताबिक, मिक्स करेंगे इनको। ये रोटी तैयार करेंगे हम, सूखा आटा लगाएंगे। अब हम इसको तवे पर डालेंगे, तवा हमारा गरम। ये हमने इसको तवे पर डाल दिया है, पलट देंगे इसको हम। हल्का सा ऑलिव ऑयल लगाएंगे, एक दो बूंद। ये पलट दिया है हमने इसको। ये तैयार है हमारी रोटी।
हमने तवा हल्का सा ग्रेस कर लिया है ऑलिव ऑयल से। इसमें हम अंडे डालेंगे। क्रम्बल करेंगे इनको। हमें इनको ज्यादा नहीं पकाना है। ये अंडे भी हमारे तैयार हैं। एक बाउल लेंगे हम, इसमें ये दही डालेंगे। दही का पानी हमने बिल्कुल निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। ये हमारी लो फैट दही है। इसमें डालेंगे एक चुटकी नमक, काली मिर्च पाउडर दो चुटकी, मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप इसमें थोड़ा सा सॉस भी डाल सकते हो, टोमेटो सॉस, ये ऑप्शनल है। थोड़ा सा डालूंगी मैं, एक चम्मच के बराबर। अब इसमें डालेंगे टमाटर, प्याज, मिक्स करेंगे इसको। इसमें डालेंगे चिकन और छोटे कर देंगे हम इसके पीस। इसमें डालेंगे पनीर, तोड़कर डालेंगे हम इसमें। मिक्स कर लेंगे हम सारी चीजों को। ये रोटी ले लेंगे हम, अंडा डालेंगे इसके ऊपर। ध्यान रहे अंडा हमें ठंडा करके ही डालना है इसमें। इसके ऊपर हम ये सारी चीज फैला देंगे। के ऊपर डालेंगे हम थोड़े से पुदीने के पत्ते तोड़कर। थोड़े से पालक के पत्ते तोड़कर डालेंगे। ये हमारा हाई प्रोटीन वाला शवरमा तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको ऐसा फोल्ड कर सकते हैं और चाहे तो आप इसके इस तरीके से चार टुकड़े कर सकते हैं ऐसे। ये लीजिए तैयार है हमारा हाई प्रोटीन वाला शवरमा, बहुत ही यमी टेस्टी भी बना है ये। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें।
अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर ज़रूर दबा लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। इसमें प्रोटीन है 80 ग्राम, कार्ब्स हैं 36 ग्राम, फैट है 35.5 ग्राम।